नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर शहर की प्रमुख खबरों पर। पिछले दिनों पीएपी चौक में अज्ञात युवकों के ऐसे अटैक से घायल हुई युवती का हाल जानने के लिए जिला पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह पुलर, एडीसीपी सुदरबिली और एसीपी कैंट जोल अस्पताल पहुंचे। रंजीत नगर में ब्रिगेडियर के घर को ताला लगा देख चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस दौरान नौकर अपने घर गया हुआ था। इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। थाना एक की पुलिस ने वाहन ग्रोह का पर्दाफाश करते हुए ग्रोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल, एक्टिवा व अन्य सामान बरामद किया है। कश्यप समाज के रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले गोपाल मियां जी का निधन हो गया है। बुजुर्ग गोपाल मियां को उनके परिवार वालों ने बैंड बाजों के साथ रुखसत किया। जलंधर कैंट में लंबे समय से चली आ रही मोबाइल नेटवर्क की समस्या अब जल्दी ही दूर हो जाएगी। कैंट के क्षेत्र में 19 नए टावर कैंट बोर्ड प्रशासन लगवाने जा रहा है, जिसमें 18 वैन पर और एक स्थायी तौर पर लगाया जाएगा। थाना 3 की पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को एक आईफोन फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों की प्रमोशन होने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर सरदार गुरप्रीत सिंह पुलर, डीसीपी इन्वेस्टिगेशन सरदार गुरमीत सिंह, एसआई एसएस संधु, एसआई सुखदेव सिंह, एसआई बलजिंदर सिंह, एसआई सुरेंद्र सिंह को स्टार लगाया गया। फवाड़ा रोड जलंधर कैंट के बाजार में दुकानों के आगे सड़क पर बने गड्ढों से परेशान दुकानदारों ने रोष जताया है। बाजार की रुचि विनोद मनीष कंवर ने बताया कि बाजार में दुकानों के आगे जगह जगह सड़कों किनारे गड्ढे बने हुए हैं, जो दुकानदारों के लिए परेशानी तो बने हुए हैं, साथ में राहगीरों के लिए भी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। नगर निगम के अंतर्गत आते वार्ड नंबर 22 में सीवरेज लाइन बंद होने के कारण इलाका वासियों में रोष पाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा नेता बलराज ने बताया कि गढ़ा के मेन बाजार रामा मंदिर के क्षेत्र की सीवरेज लाइन बंद होने से गलियों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है।